सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और सॉरी एनर्जी थोड़ी लो है क्योंकि बैंड बजे भी है। अभी उठाऊँ और कमरे की हालत देखो, सुख 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 सुख, क्योंकि मैं जा रहा हूँ देहरादून और जस्ट बिकॉज मेरे को थोड़ा सा काम है इसलिए मेरे को फिर से देहरादून जाना पड़ा है। मेरी लाइफ ना ऐसी हो गई है कि मुझे लगता है एक फ़्लाइट में कमरा ले लेता हूँ, वहीं बैठा रहूँगा, क्योंकि पहले मैं आया मुंबई, सॉरी पहले मैं देहरादून से गया दिल्ली, दिल्ली से आया मुंबई, मुंबई से गया दिल्ली, दिल्ली से आया वापस मुंबई, एक दिन रुकाया, अब वापस जा रहा हूँ देहरादून। और देहरादून से आने के बाद आज 2 तारीख है, मैं देहरादून से वापस आऊँगा मेरे हिसाब से 5 या 6 तारीख को, और मैं आई गेस 8 तारीख को जा रहा हूँ शिलोंग गुवाहाटी साइड, नॉट श्योर बट जा रहा हूँ। मतलब मेरी बात हुई है कुछ किसी इवेंट को लेके, एंड आई एम लाइक वाओ व्हाट अ लाइफ, ऑलवेज इन हियर। यार सॉक्स कहाँ हैं? एक तो ना चीज़ें नहीं मिलती यार जब मैं घर पे, मेरे को लगता है इट्स हाई टाइम आई नीड टू मैनेज माई थिंग्स बेटर। क्या लगता है तुम लोगों का, इससे बताओ। बाकी तुम लोग बताओ मुझे यार कमेंट्स में एपिसोड कैसा लगा है, एंड व्हाट डू यू फील, क्या मैं ठीक खेल रहा हूँ? मुझे तो नहीं लग रहा मैं ठीक खेल रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ। अब देखो आई डोंट नो सुबह सुबह मेरी डाइट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो मैं ले रहा हूँ अपना प्रोटीन। द मोस्ट फकॉल थिंग इज कि पिछले 7 या 8 दिन से ना मेरी डाइट हुई है, डाइट तो छोड़ो मैंने कुछ भी नहीं खा रखा प्रॉपरली, बस वो जो कुछ 3 दिन में गुड़गांव में था जस्ट बिकॉज मैं बाहर था अनिका के साथ, तो वी वर ईटिंग फूड, तो हम खाना खा रहे थे ये कहना चाहूँगा। बाकी तो तुम्हारे भाई की डाइट की माँ बहन हो रखी है, तो मैंने सोचा कि नथिंग, एटलीस्ट मैं अपना प्रोटीन तो पूरा कर लूँ। सो क्योंकि मेरे ना, मैं बताता हूँ, आई हैवंट वर्कआउट फॉर लाइक लास्ट फक 1 वीक और 2 दिन 7 दिन से मैंने वर्कआउट नहीं सॉरी 9 दिन से मैंने वर्कआउट नहीं किया, तो मैंने सोचा मैं अपना प्रोटीन तो एटलीस्ट पूरा रख लूँ, क्योंकि यार मेरे ना पता नहीं कैसे लेफ्ट लैट में काफ़ी पेन हो रहा है और मैं 200% श्योर हूँ कि स्पैज़म आ गया। एक सेकेंड होने पर सो आई फील कि स्पैज़म आ गया है। एंड वन थिंग गाइस, अगर आपके भी कभी ऐसे इंजरीज हो रही हो, बैक टू बैक स्पैज़म आ रहा हो, जो रिकवरी नहीं हो रही हो, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, अपना प्रोटीन इनटेक, अपना न्यूट्रिशन काउंट ठीक कर लो, वरना आपकी इंजरी रिकवरी नहीं देगी ही नहीं, कुछ भी कर लेना। क्योंकि एक तो तुम्हारे मसल्स होंगे, उनको प्रोटीन चाहिए, उनको टेस्टोस्टेरोन चाहिए, फिर आप अगर रिकवरी में हो तो आपको फैट्स भी चाहिए और आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए बॉडी में, तो अपना प्रोटीन इंटेक हमेशा हाई रखना जब भी आप इंजर्ड हो। हम बहुत लोग करते हैं इग्नोर कर देते हैं, इसलिए इंजरीज 4-4, 5-5, 6-6 महीने खींचती है। बाकी अगर तुम्हें प्रोटीन लेना है और तुम्हें कौन सा अच्छा ब्रांड है ये पता करना है, तो ये लो, जैसे ये है बिग मसल का प्रीमियम गोल्ड वे, अगर जिसको लेना हो मेरा कोड यूज़ कर सकता है पीएम शिवेत, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस वन थिंग कि इससे अच्छे प्राइस में आपको मार्केट में प्रोटीन नहीं मिलेगा। मैं अभी पी रहा हूँ मलाई कुल्फी फ्लेवर, एक नंबर है। अब मैं लेट हो रहा हूँ, सुनो मेरी बात, मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए, मिलते हैं एयरपोर्ट पे। भाई मेरी कुंडली थोड़ी जहर है, मेरे को समझ नहीं आता, मतलब मैंने कैब बुक कर ली थी, कैब आ भी गई थी, वो अपने आप चला गया बिना मुझे बताए, अब मैं क्या करूँ, अब वेट करो दूसरी कैब। एक बार ये लाइन चेक करो, मुझे नहीं लगता अगर मैं इस लाइन में लगता तो आज मैं फ्लाइट पकड़ पाता। मतलब देखो इस दुनिया में प्यार से आप बात करो तो आपके सारे काम होते, मतलब कुछ भी सब चलता है, प्यार से बात करी फ्लाइट की बोर्डिंग भी जल्दी हो गई, एंट्री भी जल्दी हो गई, सब। फाइनली देहरादून पहुंच गया हूं और ये हमारा देहरादून एयरपोर्ट है। ट्रेन नहीं है, दिन के 3 बज रहे हैं, पर तो बेस्ट पार्टी होता क्या है, धूप भी है लेकिन उतनी गर्मी नहीं है यार, ठंडी हवा चल रही है। टेस्ट नहीं हुआ देहरादून यार, क्यों रहता हूँ मैं मुंबई में, कभी कभी सोचता हूँ वापस घर ही आ जाऊँ। मतलब आप कहीं भी रह लो, आई गेस आपका घर ही होता है, और
वो एक रील ना ट्रेंड हुई थी जहाँ पे था, क्या कहते हैं कि हमें इस बात का घमंड जरूर है कि जहाँ पे लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने आते हैं वहाँ घर है मेरा, तो हाँ है यार। और मैं अभी जस्ट अपने रील देख रहा था, अभी यार जिस कभी कभी समझ नहीं आता तुम लोग कितना प्यार करते हो, मतलब आई डोंट गेट इट। तुम सॉरी यार, मैं तो चेक कर रहा था हुआ है, आई डोंट गेट इट, तुम लोगों को प्यार किस हद का है? मतलब लोग एम टी वी स्पिरचुला कोलैब करते हैं, एम टी वी पुली फालतू कोलैब करते हैं, तब तुम लोग उनसे भी उन मतलब व्यूज नहीं आते उनके, मतलब तब वो मुश्किल से मिलियन पहुँचते हैं। पागल हो तुम लोग, मेरा कोई कोलैब नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम लोग आई लव यू यार। मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं मुझे करके बुरा लगता है ऑनेस्टली कि मैं रोडीज जीता नहीं था ये वो। हाय मैम, सॉरी मुझे ब्लॉग बंद करना पड़ गया भैया, अकेले छोड़ के चले गए अभी मुझे, दीदी ने पकड़ लिया था। नहीं नहीं, वो सर पकड़ लिया था, मतलब वो नहीं है, मतलब शी नो कि उन्होंने रोडीज देखा है तो इसलिए। थोड़ी गर्मी बढ़ने गई जरा, तुम मेरे को भी सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। नहीं आपको सर सीजर बन देहरादून में चलता है बिना सीट पर, कोई बुरा नहीं मानेगा इस बात का। वो देखो उधर हमारी गायें हैं, उधर भी है, शायद ये वाली दिख जाए, दिख रही है कि इधर है कहीं। बेस्ट बात है देहरादून की भाई, यहाँ पे धूप भी है पर ऐसे कोई खास गर्मी नहीं लग रही, मतलब अभी इसी धूप में मुंबई में बाहर चला जाऊँ ना पसीने छूट जाए मेरे। तो सॉरी यार, मैं कल घर आके मैं व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि मैं सो गया, क्योंकि मैं आई गेस बहुत लेट सोया था परसों, और फिर सुबह फ्लाइट से जल्दी उठ गया था, सो मैंने कहा थोड़ा आराम करते हैं, उसके घर में नींद बढ़िया आती है, नींद बढ़िया आती है। सॉरी मैं बहुत हल्के बोल गया, मेरे को आवाज़ सही रहेगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ पूजा पूजा पाचा करने अंदर, देखता हूँ तुम्हें दिखाऊँगा या नहीं दिखाऊँगा, आई डोंट नो, मेरे को पसंद नहीं है, मतलब आई डोंट लाइक कि मैं ब्लॉग में हर चीज़ दिखाऊँ, लोग करते हैं बट सॉरी आई गाइस हो नहीं पाता, पहले कर लेता था मैं तब, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल था इस कैमरे के साथ, अब मुझे वापस होना पड़ेगा थोड़ा सा। अरे कुछ लोग यार आजकल बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हैं, मतलब एक है कोई नाम नहीं लूँगा भैया, फालतू फेमस हुआ है, ऑलमोस्ट 7-8 स्टोरी पर टैग कर चुका है मुझे, फॉलो करता है मुझे, फिर कह रहा है मैं रिप्लाई नहीं दे रहा। अबे नहीं दूंगा भाई, नहीं उतना खाली, छोड़ दी मैंने ये सब गुंडागर्दी जो तू कर रहा है, नहीं उतना से छोड़ो, चलो अब चलते हैं आगे मिलते हैं। साढ़ कर क्या रहा है तू, क्या कर रहा है तू, क्या करेगा इतना सो के ये बताना, क्या करेगा साले, मारू तेरे को, ये कुत्ता भी अपनी प्रजाति पे कलंकी है क्या है, काटना कूटना तो सीख थोड़ा सा, क्या फायदा तुझे इस घर में लाके, इससे अच्छा तो एक भैंस लिया था मैं, साले दूध तो देती कम से कम, वो तो खाता रहता है और पड़ा रहता है क्या। इलू इलू हेलो, हिलाना हिलाना हेलो, ओ भाई ओ कुंभकर्ण की छोटे बेटे हेलो, भाई उठ ही नहीं रहा, क्या नहीं उठना, मूड नहीं है, आप उठाओ ड्यूटी, तूने कर क्या लेना है, वैसे भी तू क्या कर लेता है, खड़ा तो ऐसे हुआ घर के अंदर पड़ा रहता है, चल चल क्या कर लेगा तू, घर के अंदर ही तो है तू, बस चलना उधर, साले बेवड़े चल उधर, हाँ मुझे काट, मुझे ही काटियो जीवन भर, किसी और को कुछ मत कर लियो, बिल्ली साली बिल्ली, नो डोंट टच मी, नो कंसेंट इज इंपॉर्टेंट, डोंट टच मी, ये दोनों औरतें वहाँ बैठ के अपने पतियों की बुराई कर रही हैं, कोई काम नहीं कोई धंधा नहीं, ये मंदिर है इन्हें शर्म नहीं है, कोई पतियों की बुराइयाँ कर रही है।
हेलो 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 क्या चल रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारा, तू क्या कर रहा है इधर साल, तेरे पाँव मोटे हैं यार, बढ़िया।